दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संख्या तथा भिन्न का जोड़, घटाव, भाग और गुणा करना सीखेंगे। तो संख्या देख रहे हैं, इसमें एक संख्या भी दी गई है और इसके साथ साथ भिन्न भी दी गई। संख्या देख रहे हैं, इसमें 3 दिया गया है और देख रहे हैं भिन्न दी गई 1/1/3। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। हम इसको लिख दें, कितना इसको लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे 3/1 कर देंगे। और इसको लिख दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिख देंगे 3/1। और इसको लिख देंगे 3 × 1 = 3 = 4, 4/3 हो गया। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 × 3 = 9, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो गया, और 4 × 1 = 4 हो गया, और नीचे हो गया 3 × 3, और इस तरह से आ गया 9 × 4 = 13, 13/3 हो गया। अब हम 13 में 3 का भाग करेंगे, 3 × 12 आ गया 1/3। इस तरह से इसका आंसर आ गया, कितना इसका आंसर आ गया, 4 × 1/3। इसी तरह से देखिए, इसमें देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि 3 × 1/4, और तो 3 × 1/4 को हम लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12 = 13, ये हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। और 5/1 हमको इस तरह से लिख सकते हैं, हो जाएगा 5/1 हो गया। अब देखिए, हम इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 13 हो गया, और 4 × 5 = 20 हो गया, तो कितना हो गया, नीचे नीचे आ गया 4। 13 और 20 को जोड़ दे, कितना आ जाएगा, देख रहे हैं, 13 और 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, और ये हो गया 33/4। अब 33 में हम 4 का भाग दें, 4 × 8 = 32, आ गया 8/1/4। इस तरह से इनका आंसर आ गया 8/1/4। देखिए, इसी तरह से दिया गया है कि 4 − 1/2, देख रहे हैं एक संख्या है और आगे भिन्न भी है, तो हम 4 को लिख देंगे 4/1, इसको इस तरह से लिख देंगे, हो गया 4/1 हो जाएगा। और इसको कर देंगे, कितना हो गया, 2 × 2 = 3, ये हो गया 3/2, इसका गुणा इसके साथ करें, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 × 2 = 8, 8 − 3 हो गया, 2 हो गया, सरल कर देंगे, घटा देंगे, आ गया कितना, आ गया 5/2। तो 5/2 को सरल करें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1/2। इस तरह से इनका आंसर आ गया 2/1/2। इसी तरह देखिए, इसमें लिखा गया है 1 ऋण 1/5, तो आप इसको लिख देंगे 1/1 हो जाएगा। इसके बाद इसका जब हल करें, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 × 5 = 5, 5 − 1 और कुल के 5 हो गया, तो 5 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 4/5। तो देख रहे हैं आप, बड़े सरल ढंग से सभी प्रश्नों को बड़े आराम से कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए, अब गुणे में देखिए लिखा गया है कि 3 × 3/4 लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/1। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि गुणा में अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होता है, तो आप इसको लिख देंगे 3 × 3/1 × 4, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9/4। अब इसको आप सरल कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 × 2 = 8, और आ गया 1/4। इस तरह से इसका आंसर आ गया 2/1/4। देखिए, इसी तरह इसमें भी, इसमें देखिए लिखा गया है 4/5, इसके बाद गुणे लिखा गया है 2/1 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, अब 4 × 2 = 8 हो गया, और नीचे आ जाएगा 5, आप इसको 5 × 5 = 5 आ जाएगा, ऊपर 3। इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/3/5। आशा करते हैं कि आपको बड़े सरल ढंग से और बड़ा आसान ढंग से समझ में आ रहा होगा।
तो इसी तरह से देखिए कुछ इस तरह का भाग है। भाग में देखिए लिखा गया है कि तीन बटे तीन भागे एक बटा पाँच, तो आप क्या करेंगे इसको लिख देंगे तीन बटे एक लिख देंगे। यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग का निशान एक बटा पाँच। अब आप जानते हैं जब भाग के निशान को हम गुणे में बदलते हैं क्या होता है, ये हो जाता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसको लिख देंगे हो गया तीन बटा एक और गुणे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाँच बटा एक, एक बटा पाँच है पाँच बटा एक हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह बटा एक हो जाएगा, पंद्रह बटा एक को हम पंद्रह लिख सकते हैं। इस तरह इसका आंसर पंद्रह आ गया। इसी तरह देखिए इसमें इसमें देखिए लिखा गया है एक बटा चार और भागे तीन लिखा गया, तो इसको हम लिख सकते हैं तीन बटा एक। और जब ये एक बटा चार गुणे का निशान लगेगा तो ये हो जाएगा एक बटा तीन। अब क्या होगा, अब देख रहे हैं एक का गुणा एक में थे एक हो गया और नीचे चार तीन बारह, तीसरा इसका आंसर आ गया एक बटा बारह। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिए और हमें कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।